ओके हेलो एवरीबॉडी। फर्स्टली मैं इस बार हम वेट कर रहे थे प्रेस का और मीडिया का, जब तक एक साथ सब लोग नहीं आ रहे, हम टाइम पे आ गए थे भाई। तो ये जरूर जाएगा कि हम वेट कर रहे थे आपके मीडिया का, बट नो रियली ऑनेस्टली इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। कभी आप लोग वेट करते हैं हमारे लिए, कब हम वेट करते हैं, बट यू नो एक फैमिली रिलेशन होता है मीडिया के साथ स्पेशली। और बस हम दो दिन दूर हैं हमारी फिल्म के रिलीज़ के लिए, और जो जिस कश्ती में हम बैठे थे, ओके, जद्दोजहद से जो साहिल से टकराई और कश्ती साहिल से टकरा कर वापस आई, लेकिन इवेंचुअली साहिल पर आ गई और हम सब लोग पार हो गए, यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस थ्रू आउट ये जितने भी मंथ्स इयर्स आप लोग हमारे साथ थे। या the beginning of our entry into industry up till now, the media has been the biggest support, and even some friends have come and gone, but the media has, I know some faces mai matlab abhi to yaad hai, yahi keh raha tha abhi ke ye do abhi wo zoom ke liye kaam karta pichle I think 15 saal pehle, aur hum you know we started our careers and there are some faces that are still the same, you know, so really it's nice to see, nice to see everyone. Yeah, basically bahut khushkismat hu ki main media ke sare jo aspects hain unka main hissa raha hu, और मुझे ऐसे मौके मिले जा रहे हैं जहाँ पर मैं सब तरफ ट्रैवल कर पाऊँ, चाहे वो एंकरिंग हो चाहे वो एक्टिंग हो। लेकिन आपको बता दूँ कि सिल्वर स्क्रीन का जो मज़ा है, जो नशा है, उससे बड़ा कोई नशा नहीं है लाइफ। तो ये फिल्म जो है बहुत प्यार से बनी है, इस फिल्म के अंदर बहुत बहुत मेहनत की गई है, एक बहुत ही प्यारी कहानी है जिसमें प्यार है, जिसमें पैशन है, जिसमें ऑब्सेशन है। ये हमारे डायरेक्टर की सोच है, जैसे इन्होंने इस कहानी को बांधा है इन कैरेक्टर्स के साथ। मेरे ख्याल से यू नो क्रेडिट दिया जाएगा केवी को, खास तौर से बर्थडे बॉय को, इंद्रा जी को, बोरा जी को, जिनका आज बर्थडे है। आज पापा की बर्थडे भी है, बस एक दिन पहले रिलीज के। सो आई थिंक ये क्रेडिट इनको दिया जाएगा कि अगर कहानी आपकी अच्छी हो, अगर आपकी कास्ट अच्छी हो, अगर आपकी सोच अच्छी हो, तो मज़ा आता है। तो मेरे लिए पर्सनली आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये फिल्म कल रिलीज़ हो रही है। एक बहुत ही अच्छी जर्नी हुई है, केवी बता रहा था कि जद्दोजहद करनी पड़ती है, बारिश हो रही है, और अच्छा है बारिश हो रही है, वो लोगों की बारिश हो जाए सिनेमा हॉल के अंदर, तो खुशी है, बहुत खुश हूँ मैं। और नर्वस तो मैं हमेशा फील करता हूँ, चाहे मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं लाइव टीवी कर रहा हूँ, चाहे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, जब कैमरा ऑन होता है तो भाई मुझे लगता है कि नर्वस होना अच्छी बात है। अगर आप नर्वस होते हैं तो आप और अच्छी परफॉर्मेंस होते हैं। वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। अच्छा अच्छा, पापा ने अभी जस्ट कहा है कि फ्राइडे के बाद सैटरडे को हम इंग्लैंड चल रहे हैं जी। जो फाइनल होगा ना, सेमीफाइनल, उसमें उसमें हम लोग प्रमोट करेंगे हमारी फिल्म। क्या बात है, क्या बात है, बर्थडे के दिन पापा ने गिफ्ट दे दिया हम सबको। हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो हम सेमीफाइनल में आप लोग हमें देखेंगे मैदान में, ये कहते हुए हमें तुमसे प्यार कितना धोनी, हमें तुमसे प्यार कितना बुमराह, हमें तुमसे प्यार कितना कोहली। यार इंस्पिरेशन लेना एक अलग बात है और कंपेयर करना बहुत अलग बात है। सीरियसली मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसे कोई कंपैरिजन हो, बिकॉज यार जिस तरह उन्होंने प्ले किया वो किरदार, एक तो वैसे ही मतलब प्रेशर में आ जाता है कि अब देखते हैं अभी इसने ऐसा किया कि नहीं, तो कंपैरिजन ना हो तो बेहतर है। बट यस, वो एक ऐसा आइकॉनिक रोल है जो आई थिंक कोई भी टच नहीं कर सकता, और उन्हें वहीं पर वैसे ही मतलब एक यू नो एक ट्रॉफी की तरह वहाँ पर रख देना चाहिए, यू नो वो उस रोल को। या वो वैसा वाला नहीं कर सकते, बट मैं अपनी तरफ से जितना मैं दे सकता हूँ, जितना मैंने इसमें मेहनत डाली है, जितना निचोड़ लिया इसने मुझे, हाँ मेरे डायरेक्टर ने, उतना मैंने दे दिया। आई थिंक अभी भी और बचा है, बोला कि और कास्ट तो है ना, थोड़ा ऐसा कर और कितना करूँ। सीरियसली एक ऐसे टाइप का कैरेक्टर को लेकर कैसे अलग हम दिखाएं, सो अगर सेम किया होता देन पीपल से यू फेल्ड एज एन एक्टर, आपने वो ही किया क्योंकि वो सक्सेसफुल था, सो यू हैव टू टेक दिस कैरेक्टर एंड शो इट डिफरेंटली। और एक्सपेक्टेशन भी बहुत है केवी से, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये रोल्स ये बहुत अच्छे निभाते हैं अच्छी तरह से, सो ही हैज़ टू प्ले डिफरेंटली, सो देयर इज अ लॉट ऑन हिज शोल्डर्स। यू नो दैट्स व्हाट आई स्टिल रिमेंबर ललित अरमीवी सर के, भाई ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो समीर हो, चाहे प्रिया हो, चाहे मैं हो, हम तीनों की ना एक छवि है कि हम ऐसे यू नो वी डिपिक्ट द काइंड ऑफ रोल्स वी डू और काइंड ऑफ वर्क वी डू, इससे एकदम अलग हटके लग रहे हैं। तो आप देखोगे आप चका चौंध हो जाओगे जिस तरह आप देखोगे हम तीन जिस तरह लग रहे हैं। आई एम रियली आई मीन लव विद ऑल थ्री ऑफ अस।
थैंक यू सो आई एम बाय और वो जो छड़ी की बात कर रहे हो सर काफी सीरियस आदमी है वो छड़ी जो एक्चुअली वो छड़ी पीजे की है जिनसे वो हाथ में रखती है पास में रखती है इनको लाइन पे रखने लाइन पे रखने और छड़ी के अंदर एक चाकू भी है कि ज्यादा लाइन से बाहर किया गया नहीं कि वो छड़ी एक्चुअली बोरो की है और कुछ नहीं छड़ी का तो जी बर्थडे को बता दिया आपका बर्थडे आप आ गए बैठ के ये तुम्हारा फाइव टाइम वोटिंग